सो हाय गाइस, आई एम अयुषन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनग्रेजुएट गेमर्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब? सब लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे ही बढ़िया गाइस, लेकिन मैं बढ़िया नहीं हूँ। अभी क्या सीन है ये मत सोचना, मैं रो रहा हूँ, सो के उठाऊंगा गाइस, ठीक है। एंड ये वीडियो आपको शेयर करनी पड़ेगी, बहुत दिनों बाद आपसे कुछ मांग रहा हूँ, तो सिर्फ शेयर, ठीक है, अपने दोस्तों में या जो मेरा चैनल देखते हैं या देख चुके हैं पहले ही, ठीक है। कुछ आपको कहानी बताने वाला हूँ जो झटके मिले हैं पिछले या तो कल ही या पिछले 2-3 सालों में। तो सीन क्या है, आप कह रहे हो कि भाई ये 2-3 साल पुरानी वीडियो क्यों चलाई हुई है? ये पहली वीडियो थी गाइस जो मेरी ओवरऑल ट्रेंडिंग में गई थी, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं कल पे, रीजन जानने के लिए, ठीक है। कल मैंने एक गेम प्ले डाला था क्लैश स्क्वाड का, न्यू सीजन का, बिल्कुल ही नॉर्मल गेम प्ले, तो मस्त चल रही थी वीडियो, सब कुछ बढ़िया। आप लोगों के कमेंट आए, लाइक वो सब कुछ किया गया, ठीक है, आपके कमेंट को लाइक दिया। लेकिन सीन क्या हो, कुछ देर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता कि आपकी ये वीडियो 18+ ओनली है। मतलब सो हीरो 18+ का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, इतने तो बड़े हो आप, ठीक है। एंड एज रेस्ट्रिक्शन +1 रेस्ट्रिक्शन, रीच डाउन, येलो डॉलर भी हो गया उसमें मोनेटाइजेशन, मतलब खत्म। समझ नहीं आया क्यों नॉर्मल। आप लोगों ने अगर देखी है वीडियो तो कमेंट बॉक्स जरूर से लिखना, यस देखी है और उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं भाई, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखना और इस सीन को याद रखना, ठीक है, इस सीन को याद रखना, जो ये वाला था मिर्जापुर का, ठीक है। तो इस वीडियो पे भी आऊंगा अभी गाइस। चलो, उस वीडियो में कुछ नहीं था वैसे तो, लेकिन एक गाली थी, वो भी बहुत हंसी मजाक के साथ, टीममेट के साथ। अगर मानो भी उस गाली की वजह से 18+ ओनली हुआ है तो कुछ सेंस नहीं बनता ना, मतलब आप समझ रहे हो। जो अपने एशिया के नंबर वन यूट्यूबर हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो तो आप समझ रहे हो, गाली हंसी मजाक में चलती रहती है। और अपने कम्युनिटी में बहुत सारे यूट्यूबर गाली देते हैं तो लोग पसंद करते हैं हंसी मजाक में, तो वो बस मैं एक आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक गाली की वजह से तो होगा नहीं, लेकिन क्यों हुआ समझ में ही नहीं आया। 18+ मतलब 18+ ओनली होना एक वैसी बात हो जाती है ना, अपने ऊपर ही थोड़ा वो लगता है, शर्म सा लगता है, भाई मैंने ऐसा क्या दिखा दिया यार अपनी वीडियो में, मतलब क्या मैं ऐसा इलीगल काम कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी तो ऐसा उसमें कुछ नहीं था, कमेंट बॉक्स से जरूर से बताना। अब दूसरा बात गाइज, ये अभी से नहीं हो रहा, ये चल रहा है पिछले 2-3 साल से। आपको ये वाली वीडियो याद होगी गाइज, ये वीडियो मतलब एक दिन में मेरी ट्रेंडिंग पहुंच गई थी गाइज, हेयर कलर वाली, आपको याद होगा, ट्रेंडिंग में थी ये, मैंने कम्युनिटी डाली थी, अभी वहां पे पड़ी होगी, ठीक है। थैंक यू, ट्रेंडिंग में गई यार आपकी वजह से, ऐसा करके। इस पर भी सेम हुआ, येलो डॉलर हो गया, रीच डाउन सब कुछ हो गया, एंड आज तक नहीं पता चला इस वीडियो में ऐसा क्या था। इस टाइम तो भाई मैं मुंह ही नहीं खुलता था, बस बाल कलर का वीडियो था और पापा का वीडियो था। इस वाली वीडियो का आप देखोगे तो इसमें कुछ था ही नहीं भाई, मतलब कुछ था ही नहीं। इसका भी रीजन आज तक नहीं पता चला, इस पर क्यों हुआ ऐसा। ट्रेंडिंग में पहले यूट्यूब नहीं भेजा, फिर येल्लो डॉलर और वो सब करके ट्रेंडिंग से हटा दिया। बात क्या है इसमें, बस इसमें अगर मानो तो वो जो मैंने आपको मीम दिखाया था मिर्जापुर वाला, कहाँ गया रुक जा चचा, ये वाला मीम, इस मीम की वजह से पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये मीम तो हजारों लोग यूज करते हैं, हजारों लोग, और एक मानो अगर कुछ नहीं है वैसे, बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, इसकी वजह से हुआ है तो भाई क्या बोलूँ, फिर तो आधे चैनल दिखने ही नहीं चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है। और इससे 18+ और इन सबसे क्या होता भाई, चैनल की ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब ऐसी तैसी। वैसे ही अभी आपको पता, फ्री फायर डाउन पड़ा है, पूरी मेहनत कर लो, 200% दे रहे हैं, मैं ही नहीं और बाकी भाई लोग भी, लेकिन अब जब यूट्यूब ऐसा करता है ना भाई। चलो गाइस, तो अभी आते हैं हम अपने एक और झटके पे, जो कि अटैक ऑन टाइटंस गाइस, वर्ल्ड फेमस एनिमे थी और फ्री फायर ने कोलैब किया था, तो मैंने वीडियो डाली गाइस। तो आपको बताओ, उनके टाइटंस वाली ड्रेसेस या टाइटन वाले जो करेक्टर्स थे वो गेम में आए, मैंने गेम प्ले किया, वो वीडियो बहुत अच्छी चली, उस पर भी सेम हो गया, 18+ ए रेस्ट्रिक्शन, येल्लो डॉलर, पीला डॉलर, रीच डाउन। एंड वो वीडियो भी गाइस मेरे को हटानी पड़ी, क्योंकि जब ये 18+ वगैरह होता है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा वर्ड हो गया कि मैं पता नहीं क्या गलत दिखा रहा हूँ जनता को, समझ रहे हो, जबकि वो तो एक एनिमी का करेक्टर है भाई, उसके इतने सारे फैंस हैं। मतलब मेरे को जब पता चला कि भाई इस एनिमी के इतने सारे फैंस हैं, कमेंट बॉक्स में बताना आपने देखा या नहीं देखा, या आपको याद है या नहीं, 1-1.5 साल पहले गेम में भी आया था वो, तो उस पर भी सेम सीन हुआ था। उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी भाई, गेम में मैंने उस गेम प्ले डाला उसका, वो अभी 2-3 चैनल 4 चैनलों में पड़ी, आप सर्च करोगे अनग्रेजुएट गेमर अटैक ऑन टाइटन करके, उन लोगों के चैनल पर पड़ी है सही सलामत, उनको कुछ 18+ या एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मस्त पड़ी हुई है ना 2-1.5 साल से। लेकिन मेरी ऐसा हो गया गाइस, हटानी पड़ी उस टाइम। अभी आप सर ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, अभी भी मस्त पड़ी हुई है मेरी वीडियो, मेरी वॉइस ओवर सब कुछ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुष भाई क्यों डाउन है, कितना क्यों डाउन चल रहा है। एक तो आपको वो वाला सीन याद है, मैंने वो डाला था फ्री फायर की फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, वो हटी तो क्रिकेट वाली स्ट्राइक आ गई। तो भाई साहब चैनल पे ऐसे ऐसे पड़ती रहेंगी, या ऐसे 18+ ओनली हो जाएंगे वीडियो, येल्लो डॉलर होते रहेंगे, तो कैसे खड़ा होगा भाई चैनल, मतलब कैसे सब कुछ ठीक चलेगा, समझ रहे हो। तो यही कुछ सीन है, ये सब कुछ पिछले 2-3-4 सालों में होता हुआ आ रहा है, टाइम टाइम पे झटके मिलते रहते हैं। इस वीडियो में क्या था, नहीं समझ में आया। अटैक ऑन टाइटंस वाले में तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और कल वाली है उसमें तो भाई साहब कुछ ही समझ नहीं आया, क्यों 18+।
समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है 18 प्लस मतलब ऐसे करके ना। तो बस यही बताना चाह रहा था, तुम लोग क्या करना, तुम लोग शेयर करना अपने दोस्तों में, ज़रूर से शेयर करना जितने भी आपके फ्री फायर वाले दोस्त हैं या खेलते हैं या यूट्यूब देखते हैं, मेरा चैनल देखते हैं। एंड चलो फिर से कल से रेगुलर वीडियो डालते हैं, लाइव करते हैं। नींद बहुत आती है ऐसे टाइम पे, वैसे कुछ वो होती है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस, टाटा।